लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम जा रहे हैं चंद्रताल। हमने दोबारा रोहतांग पास क्रॉस किया है, बट हमने एक डाइवर्जन ले लिया है। उस डाइवर्जन का नाम है ग्रम्फू। वैसे रोहतांग पास की रोड्स बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, बट ये वाली स्पिति की ओर जाते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हमारे पास अभी जिप्सी है जो ऑफ रोडिंग में बहुत हेल्प करेगी। वैसे इस टाइम पे स्पिति बंद है, हम स्पिति एंटर नहीं कर सकते, और कहा जा रहा है कि मार्च 2021 तक स्पिति वाले नहीं खोल रहे हैं स्पिति। राइडर रेड डे हिमालय में 2016 में ड्यूरिंग रेड इनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। सीनियर पायलट थे 40 के आसपास, अब एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कहाँ हुआ, पर उनकी मेमोरी में ये बनाया। वेरी इंप्रेस्ड। रेस्ट इन पीस एंड राइड इन पीस। राइड इन पीस। राइड इन पीस। इन 2016 रेड उसी टाइम कैंसिल हो गया था। जो जिस पॉइंट पे था वही फर्स्ट सेकंड आया था, वहीं डिक्लेयर हुआ था। सीनियर राइडर था काफी। Nice. चंद्रताल का रास्ता मनाली से शुरू होता है और बीच में पड़ता है रोहतांग पास, छत्रू और बातल। नजारे एकदम बेहतरीन है, पर आधे से ज्यादा टाइम इन पे ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि पूरा रास्ता बहुत ही खराब और पथरीला है। हम सबकी हालत बुरी हो रखी है, स्पेशली तो हम पहुंच चुके हैं बातल, और चंद्रताल से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हम लंच करेंगे और फिर निकलेंगे चंद्रताल के लिए। हम जा रहे हैं अभी चाचा चाची ढाबा पे, जो बहुत ही फेमस स्पॉट है। जब आप बातल आ रहे हो यहाँ पे आपका खाना तो बनता है, तो अब हम खाते हैं दाल चावल और फिर निकलते हैं चंद्रताल की ओर। सुबह से शाम तक सो के बैठो, सुबह उठो अपना खाओ सो जाओ। बहुत कमाल लिया। कब आए यहाँ? मई में आए। मई में आया हम, 11 नंबर पैदल आया। वहाँ से रोहतांग से पैदल आया यहाँ तक पहुँचने में 3 दिन लग गया। रास्ता बना के आया। रास्ता बर्फ, उस टाइम तो बर्फ भी बर्फ था। बर्फ के बाद गवर्नमेंट नहीं निकाले थे ना, कुछ पूरा अपने अपने आप वॉकिंग कर जाते हैं लोग। तो यहाँ आके हम लोग खाया, अपना डेरा टंडा बनाया, बर्फ निकाला इसके अंदर से, फिर टंडा भर गया, यहाँ बैठ गया, खा कर सो गए। सो बहुत काम कर से शुरू हुआ, हल्का फुल्का। अभी अभी बादू शुरू होने से फिर कुछ तो थोड़ा सा टूरिस्ट है अभी, थोड़ा सा अब तो ये टूरिस्ट भी आने लगे, मगर टूरिस्ट ने मिलाई ना लेकर आई हमारे को। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, हिमाचल ने स्टैंड रखा है, बिना टेस्ट के कोई नहीं आ रहा। मैं लेके आऊँ, कही आपकी भी सही बात है कि हमारी जिम्मेवारी बनती है हम किसको लेके जा रहे। जितने भी आए हैं ना ये मेरे पास रुके हुए हैं, सब ने टेस्ट कराया, उसको तो महीना होने वाला है। मैं महीने से, हाँ ये महीने से यही है। मैंने क्या जेब में डाल के तो नहीं, कोरोना जेब में डाल के तो नहीं। ये लोग मनाली से 4-5 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं काम के लिए, बट अभी इस टाइम पे कोई काम नहीं है। जो मेरे पीछे है उनको ये सारे अवार्ड्स मिले हैं रेस्क्यू के लिए, जो यहाँ पे लोगों का हुआ था जो कभी बर्फ में अटक गए थे। तो कभी आप ये व्लॉग देख रहे हो, किसी को आने का मन हो, आप आ सकते हो। पर हम भी जब पिछले कल यहाँ आए थे थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे थे, डर रहे थे कि टूरिस्ट है। तो उस प्रोसेस में इनसे, जब आप इससे ये रेजिस्ट करें तो इनको गुस्सा होने की जगह इनसे थोड़ा प्यार से बात करो, इनको समझाओ अपनी चीजें कि हाँ हम टेस्ट करवा के आए हैं। इनकी इनसे गुस्सा मत करो प्लीज। साहिल अभी थोड़ा ब्लू इसीलिए है क्योंकि फुल ब्लू है, टेम्पररी सेटअप है, बट प्रीटी ऑसम। क्यों और है ना, आप बहुत ब्लू आ रहे हो। ये फुल ब्लू है क्योंकि पूरा ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 लोगों के सीटिंग, स्लीपिंग का सब कुछ। हम
बादल से हम निकल पड़े चंद्रताल की ओर, जो यहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। रास्ते खाली थे, कैंपसाइट्स खाली थी, काउंटर्स बंद थे, जहां पे वरना बहुत भीड़ लगी रहती थी। चंद्रताल की स्टोरी कैसा जो हमने सुनी है कि चंद्रताल में एक परी रहती थी, जो चंद्रताल की ही परी कहते थे उसे। वो फिर कोई शेफर्ड्स आए, बहुत पहले ये तब की बात है शायद, जब ये एक्सप्लोर भी नहीं हुई थी जगह, तो शेफर्ड्स आते थे। तो शेफर्ड्स आए, एक शेफर्ड को शायद परी दिख गई, तो वो साथ रहने लगे। सिक्स शेफर्ड्स का वही है, 6 months अपने घर पे, 6 months पहाड़ों पे। तो चंद्रताल वाला एरिया काफी फेमस है शेफर्ड्स के लिए। तो ही गॉट मैरिड उसके साथ, और ऐसे ही चलता रहा काफी टाइम। वो 6 महीने वहां, 6 महीने यहाँ, फिर उनका एक बच्चा हुआ, बेटी हुई यहाँ। तो विद टाइम उसकी, जब वो घर जाता रहा तो घर में उसकी शादी करवा दी। तो उसे बस उस परी ने एक ही चीज कही थी कि आपको किसी को बताना नहीं है दैट हम यहाँ रहते हैं या मैं यहाँ ऐसे हूं कोई। तो काफी साल ऐसे ही चला, वो 6 महीने घर रहता था, 6 महीने यहाँ आता था। फिर एक बार उसकी घर में कोई लड़ाई हो गई अपनी वाइफ के साथ, और उसने गुस्से में कह दिया कि जो मेरी असली सेवा होती है वो चंद्रताल में होती है। वो जो बातचीत हुई उसके नेक्स्ट सीजन में वो आ गया, और जैसे ही वो चंद्रताल पे पहुंचा, उसका वो बेबी मर चुका था, वो बूढ़ी हो चुकी थी वो परी, और उसके सामने उन्होंने दम तोड़ दिया और कहा कि बस तुम्हें कहा था किसी को बताना नहीं। और कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि वो गद्दी चलता था चंद्रताल। हाँ, तो उसके बाद स्टोरी खत्म, उसके बाद लोगों ने एक्सप्लोर किया और आ गए। ये सुनी हुई बातें, बाकी क्या बोल सकते। 100% श्योर नहीं है, मैं ऐसी चीजों पर खुद विश्वास नहीं करता, पर यहाँ की जो कुछ कहानी है वो यही है जो मैंने मैक्सिमम सुनी। तो अभी हमने कार पार्किंग में लगा दी है, 15-20 मिनट वॉक करना है चंद्रताल की ओर। चंद्रताल 4200 मीटर पे है, और ऑफ रोडिंग के बाद एक एक स्टेप महसूस हो रहा था। तो मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम चंद्रताल कैसे आए जबकि स्पीति बंद है। मुझे भी ये कंफ्यूजन थी, मुझे लगता था कि चंद्रताल स्पीति का पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। चंद्रताल लाहौल डिस्ट्रिक्ट में फॉल होता है। Although this is under Spiti Wildlife Sanctuary, but ये लाहौल का पार्ट है, इसीलिए हम ये विजिट कर सकते हैं। बट अगर हमें यहाँ से आगे जाना है, which is towards Losar या काजा, वो हम नहीं जा सकते, बट चंद्रताल अभी भी हम विजिट कर सकते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं चंद्रताल से और जा रहे हैं अपने कैंप साइट की ओर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि हमें खुद का कैंप साइट सेटअप करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब आपको लेके जाती हूँ अपने कैंप साइट और हमने क्या किया है सेफली कैंप करने के लिए। So this is how we are maintaining social distancing. रच और मैं अपने कैंप्स लाए थे, स्लीपिंग बैग लाए थे, हमने कहीं से रेंट भी नहीं लिया है। तो इससे वी आर इंश्योरिंग कि हम कहीं और ट्रांसमिट ना करें डिसीज, या कोई रेंट पे हमें ट्रांसमिट ना करें डिसीज। हमने ये हेड टॉर्च लिया था डीकैथलॉन से, जो कैंपिंग में बहुत हेल्प करता है टेंट में लाइट लाने के लिए, और उसके ऊपर से जब बाहर रात को आपको वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो। So this is my brother Shagun officially here. आज का दिन बहुत डिफिकल्ट था हम सब के लिए, क्योंकि स्पेशली मेरे लिए। एक तो नंबर वन मेरा माइक खराब हो चुका है तो व्लॉगिंग हो नहीं रही थी। नंबर टू मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे EMS हिट हुआ, क्योंकि मेरे को हेडेक हो रहा था एंड मेरे को स्लाइटली वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रहा था। तो उसमें क्या होता है, या तो आपने कम पानी पिया होता है या आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यूकिश सा लगता है या बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है या बहुत ज़्यादा सर दर्द होती है। तो वन टिप इज़ टू हैव गार्लिक, अदर टिप इज़ टू हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ वाटर, एंड देन हैव इनफ स्लीप बिफोर लीविंग फॉर एन ऑफ बीट ड्राइव, क्योंकि आई थिंक हम सारे प्रॉपरली सोए नहीं थे तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक कंबल तो डबल बेड था दोनों को। सही सही। और अब हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। हमारे ट्रिप ऑर्गेनाइजर्स अभिषेक तनेजा एंड बच्चन साहब। Thank you.
गुड मॉर्निंग, ओ गुड मॉर्निंग, उठो। तो ये मेरा छोटा सा पाउच है जिसमें मैंने सारी एसेंशियल्स कैरी करे हैं। आपने जैसे देखा हमारे पास ऑलरेडी वाटर सोर्स है, तो आई हैव दिस फेस वॉश, कोम्ब, सनस्क्रीन, पेस्ट ऑफ कोर्स, और यहाँ पे छोटी सी हम क्रीम्स लाए थे, तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। लिप बाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ठंड में, और सनस्क्रीन और क्रीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्किन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सन पड़ रहा होता है। आई ऑल्सो हैव दिस स्मॉल मिरर, क्योंकि कभी कभार जब अप्लाई करना होता है स्पेशली काजल वगैरह, तो मिरर की बहुत ज़रूरत होती है। ये साइल का स्टंट है। This is best. शायद ऐसा तो पेंडेमिक के दौरान ही दिख सकता है, पर नई जगह पे रफली 80-90 कैंप्स, तो देख लो कितने लोग, और इस टाइम खाली पड़े। तो कैंप्स है नहीं, और मुझे पता है आप लोगों का क्वेश्चन है कि ये और ये कहाँ करते हैं। तो जैसे आप देखोगे जब यहाँ पे कैंप साइट्स होते थे तो प्रॉपर अरेंजमेंट होता था फॉर वॉशरूम, बट इस टाइम पे कैंप साइट्स है नहीं, हमने खुद अपने कैंप सेटअप किए हैं, तो फॉर वॉशरूम दूर जाते हैं पत्थर के पीछे टू डू दिस, कि आपको होल डिग करना पड़ता है मिट्टी में कि वो हाइजीनिक रहे, उसमें डंप करके फिर आपको मिट्टी से उसको कवर करना पड़ता है, स्मेल नहीं आएगी, हाइजीनिक रहेगा, और जब कोई और जा भी रहा है वो डीकम्पोज हो जाएगा। सो दैट इज़ द मोस्ट हाइजीनिक वे टू डू ऑल ऑफ दिस आउटडोर्स। ब्रेकफास्ट करके और फ्रेश होके हम निकल गए कुंजुम पास के लिए। तो हम अभी जिस पॉइंट पे हैं वहाँ से तीन रास्ते निकलते हैं, एक चंद्रताल को, एक मनाली को, एक कुंजुम को। अभी हम जा रहे हैं कुंजुम, जो रास्ता निकलता है आगे काजा को, बट अभी स्पिति बंद है तो हम काजा तो ऑफकोर्स नहीं जा सकते, मार्च 2021 तक बंद है। तो हम अभी ऊपर जा रहे हैं कुंजुम, वहां से मुड़ के आ जाएंगे, फिर हम इसी रास्ते से निकलेंगे मनाली को। तो हम पहुंच चुके हैं कुंजुम पास, मेरे पीछे कुंजुम टेंपल। कहा जाता है कि यहाँ पे एक पत्थर है और अगर आप वो कॉइन उस पत्थर पे चिपकाओगे तो आपकी वो सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। पीछे अभी काजा का रास्ता निकल रहा है, बट हम यहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि स्पिति बंद है, और स्पिति बंद है मार्च 2021 तक, एटलीस्ट अभी तक यही अनाउंसमेंट है। अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट ये वाला रास्ता अभी बंद है। व्यूज एडमायर करने के बाद हम वापस आ गए बातल, जो आज के दिन काफी हैपनिंग था। वी आर ऑफ टू अनदर डे हाइक। यहाँ से पहले हमें वशिष्ठ जाना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा, और फिर आई थिंक 1 आवर की ट्रैकिंग है। डे पैक, शूज, लेट्स गो।